हर व्यक्ति जो है अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देश के लिए राष्ट्र के लिए उसके साथ कर रहे हैं। मेरा इतना मानना है कि इस समय जो चुनाव की घड़ी से हम लोग निकल रहे हैं, ये चुनाव ना होके एक तरह सा रेफरेंडम सा हो गया है। इसके अंदर इस तरीके का माहौल बना है कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, एक तरफ वो खड़े हैं कि जो देशभक्ति के साथ खड़े हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने देश की सेवा करने के लिए वो आतुर हैं, वो लोग जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो लोग जो मेहनत के साथ देश को कुछ देना चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने 5 साल के अंदर वो कुछ कर दिखाया जो शायद पिछले 70 वर्षों में जो संभव नहीं हो पाया उसको भी संभव बना दिया, वो लोग जिन्होंने एक ऐसा जो है लीडर आपके सामने रखा है जो जन जन का नेता, जो जन जन के साथ जिसका लगाव और जुड़ाव जो है वो सबके सामने नजर आता है, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो दूसरी तरफ वो शक्तियां हैं जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो खड़े होते हैं कि आज फौजों की भी अगर उनकी भी जो पावर्स को कम किया जा सके। आपने तो देखा होगा उनके मैनिफेस्टो के अंदर भी आया कि जो फौज की ताकतों को कम करना चाह रहे हैं वो सामने खड़ी वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं जो देशद्रोह के कानून को खत्म करना चाहती हैं कि कोई उग्रवाद को भी पकड़ के, उग्रवादी को भी पकड़ के कोई सजा देना चाहे उसका कानून को भी वो खत्म करना चाहती हैं।